अंतरिक्ष में इसरो मचाएगा एक और धमाल। भारत के कदम से दुश्मन हो जाएगा पूरी तरह बेहाल। नए कीर्तिमान से भारत का दुनिया में बजेगा डंका। भारतीय छात्राओं ने अब लगाई है दुश्मन की लंका। आजादी सेट है पूरी तरह तैयार, बस अगले हफ्ते का है इंतजार। दोस्तों, एक के बाद एक कमाल करने वाला इसरो अब एक और कदम बढ़ाने जा रहा है, अंतरिक्ष में बड़ा धमाल मचाने जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए अमृत महोत्सव के मौके पर इसरो की एक और उड़ान दुश्मनों के कलेजे पर सांप की तरह लौटेगी। भारत के इस मिशन से दुश्मन की अभी से ही नींद उड़ी हुई है। उसके दिन का चैन खो गया है और जलन के कारण चेहरे लाल हो गए हैं। दुश्मनों के लिए शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि इस बार भारत के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि यहाँ की छात्राओं ने उन्हें धोबी पछाड़ दिया है। मुंह पर ऐसी काली पोत दी है कि वो अपना चेहरा छिपाए फिर रहे हैं। भारतीय छात्राओं की सुनामी उसे समझ में ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो इस सैलाब ने उसके तोते उड़ा दिए हैं, उसकी बखिया उधेड़ दी है और उसके थोबड़े का नक्शा ही बदल दिया है। दोस्तों, शायद इसलिए लोग कह रहे हैं कि जब मोदी मारते हैं तो दुश्मन को भागने की जगह ही नहीं मिलती है और वो चारों खाने चित्त हो जाता है। दोस्तों, आज इसरो जिस तरह दुश्मनों को दे दनादन दे रहा है, एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, उससे दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं। भारत का मिशन गगनयान और चंद्रयान तो उसकी आंखों का कांटा बन गया है, जिसे वो फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाह रहे हैं। रही सही कसर सूरज और शुक्र मिशन ने पूरी कर दी है, लिहाजा वो जल भुन कर राख हो जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल भारत की उपलब्धि उसे उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगी जहां पहुंचना अभी दुश्मन के बूते की बस की बात नहीं है। करोड़ों भारतवासियों को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, मोदी मैजिक का ही कमाल है कि आज इसरो उस पायदान तक पहुंच पाया है जहां दुनिया में उसकी तूती बोल रही है, उसका डंका बज रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसरो ने चीन और पाकिस्तान का पूरा तेल निकाल दिया है, जिससे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। एक भारतीय होने के नाते आपको यह सुनकर गर्व हो रहा होगा, सीना अपने आप चौड़ा हो रहा होगा। भारतीय होने के नाते ऐसा होना लाजमी भी है। दोस्तों, सोचिए, अभी मैंने केवल पटकथा बताई है तो आप जोश से भर गए हैं। जब मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा तो आपका क्या हाल होगा, कहीं खुशी के मारे आप आसमान सिर पर ना उठा लें। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ ऐसा ही है जिसे देखने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और बल्लियां उछलने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय छात्राओं ने कर दिया कमाल, सैटेलाइट बनाकर दुनिया में मचा दिया धमाल। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए इसरो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत तैयार किया गया आजादी सेट अगले सप्ताह इसरो के SSLV से अपनी कक्षा में पहुंचने वाला है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सैटेलाइट को वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि भारतीय छात्राओं ने मिलकर बनाया है। ये सैटेलाइट देश भर के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा बनाया गया है। आजादी सेट अगले महीने की शुरुआत में इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च भी किया जाएगा। दोस्तों, आपको भारतीय छात्राओं के इस कमाल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि इसरो अंतरिक्ष में और क्या कमाल करने वाला है। नया कीर्तिमान रचने की तैयारी में है इसरो। गगनयान और चंद्रयान इसरो को देंगे नया मुकाम। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन खुद के अंतरिक्ष यान से किसी भारतीय को अंतरिक्ष भेजने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अभी रूस, अमेरिका और चीन ने ही मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता पाई है, लेकिन अब भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भारत भी 2023 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। कहने में गुरेज नहीं कि एक क्षण भारत के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि वो अंतरिक्ष इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराएगा। दोस्तों, गगनयान को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए भारी भरकम सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम GSLV Mark III रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रॉकेट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। जिस प्रकार अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट और रूस के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट कहा जाता है, उसी तर्ज पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को गगननॉट नाम दिया गया है। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। जल्द ही उन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि गगनयान मिशन की तैयारी पूरी हो चुकी है।
अगले साल भारत एक या दो लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए दो परीक्षण किए जा रहे हैं जो कि इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। पहले परीक्षण में मानव रहित विमान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जबकि दूसरे परीक्षण में रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन दोनों परीक्षणों के सफल होने के बाद ही तीसरी बार में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी की जाएगी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। जाहिर है, अगर इस मिशन में इसरो सफल हो जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तकनीक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया को मनवा सकता है और आने वाले वक्त में उसे मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की राह में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत अब से तब काफी बेहतर स्थिति में रहेगा। दोस्तों, गगनयान मोदी का ड्रीम प्लान है। पीएम मोदी 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से गगनयान मिशन के माध्यम से 2022 में या उससे पहले अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस मिशन में एक साल की देरी हो गई। लेकिन अब इस पर तेजी से काम हो रहा है, जिसके बाद अब इसके अगले साल तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों, इसके तहत दो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में 5-7 दिनों के लिए भेजने की योजना है। भारत केवल गगनयान ही नहीं, चंद्रयान पर भी तेजी से काम कर रहा है। भारत के इस मिशन पर सभी भारतीयों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि एक बार यह मिशन तकनीकी कारणों से अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब सभी को उम्मीद है कि इस बार यह मिशन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि पिछली बार की चूक से सबक लेते हुए भारतीय वैज्ञानिक इस बार सारी खामियों को दूर कर चुके हैं, लिहाजा इसके फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक भी इसे लेकर पूरी तरह आशान्वित हैं। दोस्तों, भारत चंद्रमा के बाद सूर्य और शुक्र पर भी पहुंचने की तैयारी कर रहा है। भारत का यह मिशन भी काफी बड़ा है, जिससे दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है। लेकिन भारत अब जो करने जा रहा है वो तो और भी हैरान करने वाला है। 750 छात्राओं की रंग लाई मेहनत, अगले हफ्ते अंतरिक्ष में पहुंचेगा आजादी सेट। दोस्तों, देश के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा निर्मित उपग्रह आजादी सेट का अगले महीने की शुरुआत में प्रक्षेपण होने वाला है। इसे लघु उपग्रह अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस उपग्रह का वजन 8 किलोग्राम है। इसमें अपने ही सोलर पैनल की तस्वीरें खींचने के लिए सेल्फी कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही इसमें लंबी दूरी के संचार ट्रांसपोंडर भी हैं। ये उपग्रह 6 महीने तक सेवा देगा। ये उपग्रह आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने एक ट्वीट में कहा कि देश के 75 स्कूलों से 750 छात्राएं भारत के नए प्रक्षेपण यान SSLV की पहली उड़ान को लेकर उत्साहित हैं। ये रॉकेट उनके आजादी सेट को एक अन्य उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में ले जाएगा। उपग्रह को विकसित करने वाले स्पेस किड्स इंडिया में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रिफत शाहरुख ने कहा कि स्टेम में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष अभियान है। दरअसल, इस साल के संयुक्त राष्ट्र की थीम विमेन इन स्पेस है। इसरो के मुताबिक SSLV रॉकेट का विनिर्माण मांग के 1 हफ्ते के अंदर किया जा सकता है। दोस्तों, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SSLV को 500 किलोग्राम से कम वजन वाले कम पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए विकसित किया है, जो पृथ्वी के अवलोकन और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने जैसे अनुप्रयोगों के लिए बहुत ज्यादा मांग में है। SSLV की पहली प्रदर्शन उड़ान का पहला पेलोड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह MicroSat-2A है। इसरो के मुताबिक बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर 1 SSLV रॉकेट का निर्माण किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।